नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड के स्टॉक स्प्लिट के बारे में। इस वीडियो में कंपनी की ओर से अनाउंस किए गए स्टॉक स्प्लिट के बारे में बात करेंगे, साथ साथ कंपनी ने जो है फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया उसके बारे में बात करेंगे और साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को भी देखेंगे और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड को देख लेते हैं तो कंपनी की ओर से 75 पैसे का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है जो कि आपको शेयर स्प्लिट के बाद मिलेगा, यानी कि कंपनी की ओर से कुल मिलाकर जो है 7.50 रुपए का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया गया है। वहीं इसके अलावा कंपनी की ओर से 75 पैसे का जो है स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है जो कि कंपनी के 50 साल पूरे होने की में दिया गया। ये स्पेशल डिविडेंड भी कंपनी की ओर से स्प्लिट के बाद ही मिलेगा, यानी कि ये भी स्पेशल डिविडेंड जो है 7.50 रुपए का स्पेशल डिविडेंड है, यानी कि कंपनी की ओर से दोनों डिविडेंड को मिलाकर कुल जो है 15 रुपए का डिविडेंड दिया गया है लेकिन स्प्लिट के बाद मिलेगा, इस कारण से आपको जो है 1.50 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी की ओर से अभी हाल फिलहाल में इसकी रिकॉर्डेड अनाउंस नहीं की गई है। इसके बाद स्प्लिट की डिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी की ओर से स्प्लिट का रेशियो 1:10 रखा गया है, यानी कि जिनके पास अगर 1 शेयर तो उनके स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है टोटल 10 शेयर हो जाएंगे और अगर किसी के पास अगर 100 शेयर तो स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 1000 शेयर हो जाएंगे। कंपनी की ओर से अभी हाल फिलहाल में स्प्लिट की रिकॉर्डेड अनाउंस नहीं की गई। आप चैनल को सब्सक्राइब कर जब भी रिकॉर्ड अनाउंस की जाएगी मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। वहीं स्टॉक स्प्लिट से कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू भी चेंज होगी जो कि 10 से घटकर 1 हो जाएगी और स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल में कोई चेंजेस होगा, शेयर में बाय और सेल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बायर को बाय करने में दिक्कत नहीं होती और सेलर को सेल करने में, और फ्यूचर में जो है कंपनी के शेयर होल्डर को जो है डिविडेंड के रूप में फायदा देखने को मिलता है। एक एज्यूम करके चलते हैं कि कंपनी के शेयर का करंट क्लोजिंग प्राइस जो है 1130 है और यही प्राइस एक्स डेट से एक दिन पहले रहता है तो एक्स डेट दिन कंपनी का शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 1013 रुपए पर ओपन होगा। वहीं इसके अलावा अगर मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होता है तो शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर एक्स डेट के एक दिन पहले अगर 1100 रुपए क्लोज होगा तो एक्स डेट दिन कंपनी का शेयर जो 110 पर ओपन होगा और अगर एक्स डेट के एक दिन पहले अगर 1200 रुपए क्लोज होगा तो एक्स डेट दिन कंपनी का शेयर स्टॉक स्प्लिट के बाद जो 120 पर ओपन होगा। इसके बाद कंपनी का हिस्टोरिकल पी देख लेते हैं तो कंपनी का मीडियम पीई जो है 5.5 के आसपास है और कंपनी के अभी करंट पी रेशियो की बात करें तो कंपनी का पी रेशियो 6 के आसपास है, यानी कि कंपनी जो अपने मीडियम पीई के आसपास की वैल्यूएशन पे अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रही है। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल नंबर को देख लेते हैं तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू जो है स्टेबल रहा है और 1 क्वार्टर में जो है कंपनी के रेवेन्यू में जो है काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली जो कि जून 2022 क्वार्टर में कंपनी ने जो है काफी अच्छा रेवेन्यू किया है और लास्ट दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू जो है 908 करोड़ का किया है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है स्टेबल नहीं रहा है जो कि काफी ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है लेकिन लास्ट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 130 करोड़ रहा है। हालांकि कंपनी जो है साइक्लिकल सेक्टर में आती है इसके बावजूद कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है जो कि कंपनी के लिए गुड संकेत है। इसके बाद कंपनी रिटेल को देख लेते हैं तो कंपनी जो है मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में आती है जिसमें कंपनी का मार्केट कैप जो है 4000 करोड़ है जिस कारण कंपनी जो है मिड कैप में आती है। कंपनी का पी रेशियो 6 का है, वहीं प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का 1 है, रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 31% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कंपनी का 29.5% है। वहीं कंपनी के ऊपर डेट की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी 0.53 है और कंपनी के पी रेशियो का इंडस्ट्री के पी रेशियो तुलना करते हैं तो कंपनी का पी रेशियो 6 का है, वह इंडस्ट्री का पी रेशियो 12 का है, यानी कि कंपनी जो अपने इंडस्ट्री पे आधी वैल्यूएशन पे भी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रही है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 73% के आसपास जिसमें 0% प्लेज है। वहीं शेयर की फेस वैल्यू 10 है जो कि स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है 1 हो जाएगी और कंपनी जो है 1973 में फाउंड हुई थी और कंपनी के एमडी और सीईओ जो है पंकज शारदा है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी सस्ती भी है लेकिन कंपनी जो है साइक्लिकल सेक्टर में आती है, सही साइकिल को पिक करना काफी जरूरी होता है। बाकी अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।